भारती न्यूज में मैं हूँ आपके साथ तृप्ति श्रीवास्तव। सुंदरपुर गांव में एक तेंदुए ने खेत में डेरा डाल रखा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। गुरुवार को वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे खदेड़ा, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ अभी भी वहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि रात को तेंदुआ इनके बाड़े से मुर्गी और बतख उठाकर ले गया है। वहीं रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता अमित नारंग के साथ गांव पहुंचे और ग्रामीणों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के आला अधिकारियों से बात कर तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ जंगल में छोड़ने को कहा, जिससे ग्रामीणों को भय से मुक्ति मिल सके। उधर सुंदरपुर गांव वाले रात को जागकर पहरा देकर रात बिता रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। यहां पर मैं अभी आया हूं, मेरे जानकारी में आई है कि पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ यहां पर घूम रहा है, घरों के आसपास खेत में देखा गया है। मैंने तुरंत यहां के DFO हिमांशु, यहां के माननीय जिलाधिकारी उदयराज जी और हमारे जो सचिव हैं फॉरेस्ट के उनसे और माननीय मंत्री वन मंत्री सुबोध उनियाल जी से उनसे वार्ता की है। यहाँ से परमिशन भेज दी गई है DFO के द्वारा। मेरे कहने के बाद उन्होंने परमिशन की जो है अनुमति के लिए एप्लीकेशन भेज दी है और वहाँ जो चीफ जो वाइल्ड अफसर है उसके द्वारा परमिशन शीघ्र अतिशीघ्र आने वाली है, ये वन मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त कर दिया है। वह जैसी अनुमति आती है यहाँ पर जो जिसे कहते हैं जाल लगाकर और पिंजरा लगाकर उस तेंदुए को पकड़ा जाएगा। हमारी प्राथमिकता है कि सुंदरपुर के गाँव के आसपास की किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या पशु हानि ना हो, और साथ ही साथ चूंकि तेंदुआ है इस पर उच्चतम न्यायालय के कई सारे दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए और उसे पकड़ लिया जाए। इसका मैंने पहुंचते ही सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और माननीय वन मंत्री जी के द्वारा भी मुझे आश्वस्त कर दिया गया है, शीघ्र अतिशीघ्र उसकी अनुमति आ रही है और पिंजरा लगाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये 4-5 दिनों से ये हमलावर है, किसी को अभी आघात नहीं हुआ, अभी बत्तख मुर्गी कुत्ते इसी के ऊपर उनकी नज़र है, बाकी रह रहे हैं, लोग बहुत डरे हुए हैं, घर से निकलना भी दुश्वार हो रहा है। लगभग कितने दिन से यहाँ से? 5-6 दिन हो चुके थे ये आ चुका है यहाँ। आज अभी ऐसा कुछ देखा नहीं गया हुआ है और ना किसी की नज़र में आया हुआ है और ना आज पकड़ने की कोई कोशिश की गई है। तो कल क्या हुआ था? कल पकड़ने की कोशिश भी की हुई थी लेकिन जिसमें कामयाब नहीं रह पाए। ठीक हो स्थिति है? तेंदुआ को कल भगाया गया था तो रात को फिर से करीबन 9:30-10 बजे फिर से दोबारा देखा गया था। अच्छा। और सब अभी तो अभी कुत्ते जानवर के ऊपर हमला कर रहा है, क्या पता कभी किसी बच्चे के ऊपर हमला कर दे। उससे पहले तेंदुओं को पकड़ के जंगल को छोड़ दिया जाए, यही अनुमति है। हमारे नज़रों में तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि दो तीन दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं, पूरा गांव ग्रामवासी परेशान है इसमें। मगर हमें यही आश्वासन दिया जा रहा है कि भाई हमें ऊपर से जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। इसका मतलब ये उनका जो मोटिव है, कोई आप जब तक घायल नहीं होगा तब तक मतलब तेंदुओं को पकड़ने की प्रक्रिया नहीं की जाएगी? नहीं होगा, वही बता रहा है। जब तक यहाँ कुछ यही हम लोगों का सोच है कि अगर कोई यहाँ अभी तो जानवर खा रहा है जैसे कुत्ता बिल्ली यही खत्म कर रहा है, उसके बाद जब बच्चे के ऊपर आएंगे तभी ये एक्शन लेंगे वन विभाग वाले लगता है। कल जो है सुनने में आया कि यहाँ से खदेड़ दिया गया था शहर की तरफ, लेकिन पुनः आज ऐसा भीड़ क्यों है? पुनः कल रात को फिर दोबारा आए घर पे, कई कुत्ता भी पकड़ लिया, यहाँ से कुत्ते भी ले गए। बाकी यहाँ पे रोड पे भी, यहाँ जो RCC रोड है यहाँ रोड पे भी वो ड्यूटी से आ रहा था कुछ लोग, तो उनको रोड में ही पकड़ा था, उनको आने नहीं दे रहा था, वही रोड पे ही खड़ा था। कम से कम 15-20 मिनट तक वहाँ रोड पे ही खड़ा रहा।